कमलनाथ। सरकार के बजट को लेकर पूर्व मंत्री और भाजपा विधायक विश्वास सारंग का कहना है कि बजट से प्रदेश की जनता को निराशा मिली है। सीएम कमलनाथ ने अपने मित्रों को मदद पहुंचाने के लिए उद्योग धंधों को बढ़ाने की बात कही। विधायक विश्वास सारंग से बात की अनादि टीवी के संवाददाता वैभव गुप्ता ने। मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार ने 15 साल बाद मध्य प्रदेश का बजट जारी किया। वित्त मंत्री तरुण भनोत ने कहा कि बहुत अच्छा बजट है। इस पर बात करने के लिए मतलब मौजूद है बीजेपी विधायक विश्वास सरंग। सर, क्या कहेंगे इस बजट के बारे में? निराशाजनक बजट, कहीं कोई भविष्य की योजनाओं पर विचार नहीं किया गया। किसान कर्जे की बात कर रहे हैं, 56,000 करोड़ रुपए बांटने थे, उसका कोई प्रावधान नहीं किया। युवा के रोजगार पर कोई बातचीत नहीं हुई। पूरी तरह से धरातल से अलग हटकर ये बजट प्रस्तुत किया गया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार की सभी योजनाओं को धता बता दिया गया। आपने कहा कि टैक्स नहीं बढ़ाएंगे, 3 दिन पहले आपने पेट्रोल और डीजल पर दाम बढ़ा दिए। तो क्या आप जनता के साथ छलावा करने का आपने पूरा मन बना लिया? ये निराशाजनक बजट। गाय की बात की गई, जलेबी की बात की गई, लड्डू की बात की गई। देखिए, गाय की बात नहीं है, उसके दूसरा प्रावधान देखिए। गाय की तस्करी के लिए ये सब प्रावधान किए गए, क्योंकि बड़े बड़े उद्योग लाए जाएंगे। अरे, गांव गाय का संरक्षण गरीब किसान के लिए होना चाहिए, गांव की इकोनॉमी को ठीक करने के लिए होना चाहिए। इसमें आप बड़े उद्योगपति को क्यों ला रहे हो? हर चीज में उद्योगपति थोड़ी लाना है। गांव का किसान भी गाय को पाल सकता है, आप उसको गरीब को पालने दीजिए ना। हर चीज में आप हस्तक्षेप अपने मित्रों का करवाएंगे सेठ कमलनाथ। सर, जलेबी लड्डू की बात भी की गई। जलेबी लड्डू, देखिए, ये सरकार एड़े बनकर पेड़े खा रही है, इसलिए इसको पेड़े याद आ रहे हैं। ये सरकार एड़ा बनकर पेड़ा खा रही है, इसलिए इसको नमकीन की भी याद आ रही है, जलेबी की याद भी आ रही है, और मावा वाटिंग की ब्रांडिंग की बात भी याद आ रही है। ये कहना है बीजेपी विधायक विश्वास सारंग का। सारंग ने कहा कि कमलनाथ अपने जो दोस्त मित्र हैं उनको फ़ायदा दिलाना चाहते हैं, इसलिए गौशाला की बात भी की और तमाम तरह के उद्योग धंधों की बात भी की। कैमरा पर्सन सतीश के साथ वैभव गुप्ता, अनादि टीवी।